Good evening, everyone. This is Ashima Mishra, and I'm really glad to get an opportunity from Justice for Society to make a presentation on Citizenship Amendment Bill 2019. So, आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो हम 2019 से लेके अभी तक एक मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक रह चुका है. तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ये एक्चुअल में है क्या, ये नॉर्मली लॉ स्टूडेंट्स और जो लोग मतलब थोड़े पॉलिटिक्स या लॉ से जुड़े हुए हैं या फिर जो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं उन लोगों को पता है, लेकिन जो लेमैन जो जनरल पीपल उन लोगों को अभी तक इस बिल के बारे में अच्छे से पता नहीं है. तो मैं इस प्रेजेंटेशन में कोशिश करूंगी आप सबको इसके बारे में एक जनरल वे में समझाने के लिए. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हम सब जानते हैं कि इंडिया इज अ सेक्युलर सोवरेन एंड पीस लविंग नेशन. यहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया गया है सेक्युलर. सेक्युलर हमेशा से हम लोग जो प्रियम्बल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वहां पे भी मेंशन किया गया है कि इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन. बट यहाँ पे जो ये सिटीजनशिप बिल आया है या सिटीजनशिप एक्ट हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये सेक्युलर वर्ड से बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है. क्यों? क्योंकि एक तरफ इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री बोला जा रहा है और ऊपर से हम ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन सिटीजनशिप ग्रांट कर रहे हैं लोगों को, तो एक तरफ से ये कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है. तो हम सब जानते हैं कि इंडिया इज ए सेक्युलर सोवरेन पीस लविंग नेशन एंड परहैप्स इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट है कि विभिन्नता में एकता का कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट करता है. होल वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसा कंट्री होगा जो इस कॉन्सेप्ट को इतने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करता है. हमारे देश में हर एक रिलीजन के लोग, हर एक कास्ट के लोग, हर एक रेस के लोग रहते हैं और सबके लिए राइट है. ऐसा नहीं है कि खाली मेजोरिटी जो हिंदू है उनके लिए राइट हो, सबके लिए अपना अपना राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज है. एंड हम सब जानते हैं कि हमारे कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट करता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच हैज बीन रेगुलेटिंग आवर कंट्री सिंस 1950. तो 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स या ड्यूटीज नहीं लाया था, उसके साथ उसने एक और एक चीज भी उसमें मेंशन किया गया था अबाउट सिटीजनशिप. तो सिटीजनशिप बहुत एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन कौन इंडिया के सिटीजन होंगे, किन किन लोगों को इंडिया में सिटीजनशिप मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो लोग आके रह जाते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स कहते हैं उनको, जिनके पास सिटीजनशिप का कोई प्रूफ नहीं होता इंडिया के सिटीजनशिप का. तो जब शुरू हुआ था ये कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त ऐसा कुछ मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, बट उसके बाद जस्ट 5 साल बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया और जिसमें क्या हुआ वहां पे कौन किन किन लोगों को सिटीजनशिप ग्रांट किया जाएगा उसके बारे में वहां पे मेंशन किया गया है. तो सिटीजनशिप एक्ट से पहले हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम बैकग्राउंड पे जाएंगे. तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एनडीए गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था, बीजेपी गवर्नमेंट का, जो कि 2019 में आया था एंड इट वाज पास्ड बाय लोकसभा ऑन 9th of December 2019 और बाद में इट गॉट द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 12th of December 2019 और उसके बाद जब ये प्रेसिडेंट का एसेंट इसे मिल गया तब ये बिल से एक्ट में कन्वर्ट हो गया और फाइनली ऑन 10th of January 2020 ये एक्ट में कन्वर्ट होके इफेक्ट में आ गया. एंड इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में एक्चुअली है क्या, इसमें एक चीज मेंशन किया गया है कि जो रिफ्यूजीज हैं फ्रॉम मेंशन सिक्स कम्युनिटीज हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन और क्रिश्चियन, ये 6 कम्युनिटीज अगर 3 मेजर इस्लामिक कंट्री जो हमारा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 कंट्रीज से अगर ये 6 कम्युनिटीज बिलोंग करते हैं और वो लोग आके इंडिया में सेटल हो गए हैं या रह गए हैं तो उन्हें सिटीजनशिप ग्रांट कर दिया जाएगा. इस चीज के बारे में इस अमेंडमेंट एक्ट में मेंशन किया गया है और यहाँ पे और भी एक चीज में मेंशन किया गया है कि दे विल बी ग्रांटेड द सिटीजनशिप स्टेटस इफ दे हैव बीन स्टेइंग इन इंडिया सिंस लास्ट 5 इयर्स. पहले जो सिटीजनशिप एक्ट था 1955 उसमें लिमिट था 11 इयर्स बट अभी रिड्यूस कर दिया गया 5 इयर्स तक. और मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि 6 कम्युनिटीज कौन कौन से हैं, तो और एक बार मेंशन कर देती हूँ, जो 6 कम्युनिटीज होने चाहिए जिन्हें सिटीजनशिप मिलेगा वो लोग हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन,
पारसी और क्रिश्चियन, लेकिन ये छह कम्युनिटीज बाकी कंट्रीज से अगर आएंगे तो उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिल जाएगा। अगर ये छह कम्युनिटीज अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो कि मेजर इस्लामिक कंट्रीज है वर्ल्ड के, वहां से अगर आए हैं ड्यू टू परसिक्यूशन, तो उन्हें यहाँ पे सिटीजनशिप ग्रांट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे और एक चीज में मेंशन किया गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, सच रिफ्यूजीज विल आल्सो बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम लॉ सूट्स इफ दे आर फाउंड नॉन लॉ माइग्रेंट्स। उन लोगों के ऊपर कुछ लीगल एक्शन भी नहीं लिया जाएगा अगर ये छह कम्युनिटीज, वो तीन अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं, वो लोग आके और इंडिया में रह गए हैं, तो इनके ऊपर कोई लॉ सूट्स भी नहीं होंगे। एंड ये जो एक्ट है, इसका मेन इंटेंशन ये था टू मेक इट इजियर फॉर द नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया थ्री मेजोरिटी मुस्लिम नेशंस जो नेबर्स हैं इंडिया के, टू बिकम, उनको हेल्प करने के लिए, इंडिया का सिटीजन बनने में हेल्प करने के लिए ये मेनली ये किया गया था ये एक्ट। और दिस एक्ट डज नॉट ओनली ग्रांट सच एलिजिबिलिटी टू मुस्लिम्स फ्रॉम अबाउ फ्रॉम द यस दिस एक्ट डज नॉट ग्रांट सच एलिजिबिलिटी टू मुस्लिम्स फ्रॉम द अबाउ मेंशन कंट्रीज। यहाँ पे छह कम्युनिटीज तो मेंशन कर दिए गए, लेकिन इस इनमें से मुस्लिम का नाम कहीं भी नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मुस्लिम्स को वहां पे परसिक्यूशन का सामना करना पड़े। और एक प्रोविजन भी है इंडिया में, देयर इज अ प्रोविजन दैट इलीगल माइग्रेंट्स कैन बी इन प्रिजन एंड डिपोर्टेड अंडर द फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 एंड पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920। तो दो एक्ट है, फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट, जो कि फॉरेनर्स एक्ट हुआ था 1946 में और पासपोर्ट एक्ट हुआ था 1920 में। इसके तहत अगर इंडिया में कोई भी इलीगल माइग्रेंट्स पाए गए तो उन्हें इम्प्रिजनमेंट या डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ेगा। तो ये तो जो ये दोनों एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करते हैं टू मेक अ चेक ऑन द एंट्री, एग्जिट एंड रेसिडेंस ऑफ द फॉरेनर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर मिला है कि जिससे वो कौन आ रहा है हमारे देश के अंदर, कौन देश से बाहर जा रहा है या फिर कौन यहाँ पे रह रहा है, उसके ऊपर नजर रखने का। उसके बाद कट ऑफ फॉर इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजन ऐसा नहीं है कि एक साल, अभी जो छह कम्युनिटीज के बारे में मैंने मेंशन किया वो लोग सपोज एक साल पहले आए हैं और उन्हें सिटीजनशिप मिल जाएगा, उसके भी कोई अलग एक डेट है और प्रोविजन है, और वो जो एक कट ऑफ डेट है जिसके तहत उन्हें इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट कर दिया जाएगा। सपोज अगर ये छह कम्युनिटीज हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये लोग अगर December 31st, 2014 के दिन या उससे पहले वो लोग आके अगर इंडियन टेरिटोरी में रह गए हैं तो उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा, ग्रांट कर दिया जाएगा। और उन्हें ये अज्यूम करके ग्रांट कर दिया जाएगा सिटीजनशिप कि मतलब दे वर कंपेल्ड टू टेक शेल्टर इन इंडिया ड्यू टू परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन इन देयर नेटिव कंट्री। बार बार मैं 3-4 बार ऑलरेडी परसिक्यूशन वर्ड यूज कर चुकी हूँ और बहुत लोगों को अभी तक परसिक्यूशन का मतलब नहीं पता होगा। परसिक्यूशन मतलब ये है कि इट मीन्स टू ट्रीट समवन विद डिस्क्रिमिनेशन और विद डिस्पैरिटी, मतलब किसी को क्रुएल्टी के साथ, अनफेयर, मतलब जस्ट बिकॉज हमारा सपोज उसका कास्ट या रिलीजन या उसका रेस या उसका पॉलिटिकल बिलीफ हमसे अलग है, हम उसको टॉर्चर करें, क्रूएल मीन्स से हम उसे उसके साथ बिहेव करें या फिर अनफेयर मीन्स से उसे बिहेव करें, उस चीज को परसिक्यूशन कहा जाता है। नॉर्मली इस्लामिक कंट्रीज में जैसे कि पाकिस्तान में उसका स्टेट रिलीजन इस्लाम है और वहां पे अगर कोई और अगर आके उसका कोई और रिलीजन वहां पे फॉलो करे तो नॉर्मली वो लोग उसे प्रिफर नहीं करेंगे, उसे बढ़ावा नहीं देंगे। तो वहां पे माइनॉरिटी राइट्स को नहीं देखा जाता, वहां पे सिर्फ मेजोरिटी राइट्स के बारे में ही सोचा जाता है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में तो हम थोड़ा जान लिए, उससे पहले हम जानते हैं जो मेन सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का। एज वी नो दिस इज द बेस ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, 1955 को पहली बार ये पास हुआ था After the sixth year of partition, 6 साल बाद 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला, एंड उसके बाद 30 December 1955 को फाइनली सिटीजनशिप एक्ट आया, एक स्पेसिफिक एक्ट आया फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया जहाँ पे उन्हें सिटीजनशिप ग्रांट कर दिया जाए। किस तरह से ग्रांट कर दिया जाए उसके बारे में वहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो इसमें इसमें तीन चीजें इंक्लूड है। पहले, हु कैन बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन कौन सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकते हैं, एंड सेकेंड, वॉट आर द वेज टू बिकम एन इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन बनने के जो मतलब द मेथड कैसे बन सकते हैं वे, और तीसरा चीज है हाउ अ पर्सन कैन लूज इंडियन सिटीजनशिप।
अगर कोई इंसान देश के विरोध कुछ काम करता है या फिर कुछ ऐसा काम करता है जो देश के फेवर में नहीं है, तो उसके हाथ से सिटीजनशिप जा भी सकता है। तो इसके बारे में 1955 के एक्ट में मेंशन कर दिया गया है। तो बैकग्राउंड, इस एक्ट का बैकग्राउंड है, हम सबको पता है कि सिटीजनशिप इन इंडिया, सिटीजनशिप इज रेगुलेटेड बाय सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है वो रेगुलेट करता है सिटीजनशिप को, और 5 ग्राउंड्स में एक इंसान को एक सिटीजनशिप मिल सकता है। वो 5 ग्राउंड में से पहला ग्राउंड है सिटीजनशिप बाय बर्थ। अगर वो इंसान यहाँ पे पैदा हुआ है तो ऑब्वियसली उसे सिटीजनशिप मिल जाएगा, उसे कुछ अप्लाई करना नहीं पड़ेगा सेपरेटली, वो ऑलरेडी इंडिया का सिटीजन ही है। सिटीजनशिप बाय डिसेंट, डिसेंट मतलब अगर सपोज मैं यहाँ पे पैदा नहीं हुई लेकिन मेरे पेरेंट्स यहाँ पे पैदा हुए हैं, वो इंडियन सिटीजन हैं लेकिन मैं बाहर पैदा हुई हूँ, तो बाय डिसेंट भी मुझे यहाँ पे मिल सकता है सिटीजनशिप। थर्ड है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी सपोज मैं बाहर किसी कंट्री से बिलोंग करती हूँ, मैं आके यहाँ पे सेटल हो गई हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ तो रजिस्ट्रेशन आई कैन बिकम अ सिटीजनशिप, आई कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके चौथा है उसके बाद सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, एंड फिफ्थ है सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी। जो फिफ्थ पॉइंट है सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी, उससे हम लिंक कर सकते हैं 1947 के पार्टीशन से। उस टाइम ऐसा हुआ था जब इंडिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद बहुत लोग उस साइड चले गए पाकिस्तान, और बहुत पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इस साइड आ गए। तो वो जो डिवीजन हुआ उस वक्त भी बहुत लोगों का सिटीजनशिप चेंज हो गया। जो लोग इंडिया में रहना चाहते थे या वहाँ यहाँ पे बिलोंग करते थे, उन लोगों को पाकिस्तान का सिटीजनशिप स्टेटस मिल गया, और जो लोग वहां के लोग थे उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल गया। तो इसी तरह सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी होता है। उसके बाद जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इलीगल माइग्रेंट्स कैन नॉट बिकम इंडियन सिटीजन अंडर दिस एक्ट इफ ही इज अ फॉरेनर। अगर इलीगल माइग्रेंट्स को इंडियन सिटीजन बनने का कोई हक नहीं है। अगर वो लोग विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स हमारे कंट्री में एंट्री कर लेते हैं, लाइक पासपोर्ट और वीजा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो अगर उसके बिना वो लोग आ जाते हैं तो वो लोग इलीगल माइग्रेंट्स कहलाएंगे और उन्हें इंडियन सिटीजनशिप बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अगर वो लोग आ भी जाते हैं विद वैलिड डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी है, लेकिन वो लोग जो सपोज उनका वीजा एक्सपायर कर चुका है, लाइक दे हैव क्रॉस द पीरियड ऑफ परमिटेड टाइम, जितना उनको टाइम मिला था परमिटेड टाइम वो क्रॉस कर चुके हैं, तो उन्हें इलीगल माइग्रेंट से कंसिडर कर दिया जाएगा। एंड इलीगल माइग्रेंट्स मे बी पुट इन जेल और डिपोर्टेड अंडर द फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 एंड द पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920। मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि उन लोगों के ऊपर केसेस चलेंगे एंड उन्हें जेल भी हो सकती है फॉरेनर्स एक्ट के तहत और पासपोर्ट एक्ट के तहत। और एक बात, मैं इन द ईयर 2015 एंड 2016 द गवर्नमेंट आल्सो एग्जेम्प्टेड स्पेसिफाइड ग्रुप्स ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ 1946 एंड 1920 एक्ट्स। जो 1946 और 1920 एक्ट जो है, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, वहां पे मेंशन किया गया था कि कौन कौन से ग्रुप इलीगल माइग्रेंट्स हैं, कौन कौन से कम्युनिटी को इलीगल माइग्रेंट्स माना जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2015 और 2016 में कुछ ग्रुप्स को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया वहां, उस ग्रुप मतलब वो इलीगल माइग्रेंट्स के ग्रुप से उन्हें निकाल दिया। एंड वो ग्रुप्स में से जो 6 कम्युनिटीज मैंने मेंशन किया था, वो लोग भी उस ग्रुप में आते हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन। और वो भी वो 3 मेजर इस्लामिक कंट्रीज से अगर वो 6 कम्युनिटीज बिलोंग करते हैं तो वो उन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है, ये भी मैंने मेंशन कर दिया। और अगर वो लोग इंडियन टेरिटरी के अंदर December 31, 2014 से पहले आ गए हैं या उस दिन आए हैं तो उन्हें मिल सकता है इंडियन सिटीजनशिप। उसके बाद फिर ऐसा दिस मीन दैट दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स वुड नॉट बी डिपोर्टेड और जेल्ड फॉर बीइंग इन इंडिया विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स। जो ये जो 6 कम्युनिटीज है, जैसे कि इन्हें राइट मिल गया यहाँ पे आके रहने का इंडियन टेरिटरी में, उनको ग्रैंड हो सकता है इंडियन सिटीजनशिप स्टेटस, तो इन्हें अगर ये लोग बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के आते भी हैं तो इन्हें जेल या इन्हें डिपोर्टेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ऑफ 2016, यस 2019 से पहले भी एक बार ये बिल आया था 2016 में, एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस भी हो चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द बिल वॉज लैप्स्ड विद द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। 16th लोकसभा जो डिसॉल्व हो गया, उस टाइम ये बिल भी लैप्स हो गया,
एंड फाइनली इन द ईयर 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। तो यहाँ पे इसके जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसके कुछ प्रोविजंस और अमेंडमेंट के बारे में, इसमें एक्चुअली अमेंड क्या 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 है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ऑफ 1955 मेड इट मैंडेटरी फॉर अ पर्सन टू स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 11 इयर्स टू एक्योर सिटीजनशिप नेचुरली। जो 1955 का जो एक्ट था या बिल था उसमें एक इंसान को मैंडेटरी वहां पे फोर्स किया गया था कि 11 इयर्स तक उसे इंडियन टेरिटरी में रहना पड़ेगा टू एक्योर द सिटीजनशिप। उसे इंडियन सिटीजनशिप मिलने के लिए उसे 11 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, लेकिन लेटर ऑन उसको 6 साल के लिए रिड्यूस कर दिया गया, 6 साल तक, मतलब 11 इयर्स टू 6 इयर्स। एंड देन फाइनली 2019 में जो एक्ट आया इसके तहत उसे 5 इयर्स, वो पीरियड को 5 इयर्स कर दिया गया। तो एंड द सीए जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एज दिस एरियाज आर इंक्लूडेड, ऑलरेडी इंक्लूडेड अंडर द सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एट द सेम टाइम ये जो सीए है ये एप्लीकेबल नहीं होगा इन द एरियाज ऑफ इनर लाइन परमिट ILP एंड विच हैज बीन नोटिफाइड अंडर द बेंगल ईस्टर्न बॉर्डर रेगुलेशन ऑफ 1873। और जो ILP जो है इंडियन लाइन परमिट, एंड इट इज एप्लीकेबल, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। तो ये जो 2019 का जो अमेंडमेंट एक्ट था इसके कुछ की फीचर्स हैं। पहला फीचर, ये फीचर भी है और ये एक तरह से क्रिटिसिज्म भी, दिस एक्ट प्रमोट्स सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। एक तरह से देखा जाए तो ये एक्सक्लूड कर दे रहा है मुस्लिम्स को, ये बाकी कंट्रीज में जो डिफरेंट कम्युनिटीज रह रहे हैं उन्हें नहीं ला रहा है इंडियन टेरिटरी में, नहीं ला रहा है उन्हें सिटीजनशिप ग्रैंड नहीं कर रहा है। तो एक तरह से ये जो एक्ट है ये कहीं ना कहीं ये रिलीजन, मतलब रिलीजियस बेसिस में सिटीजनशिप को प्रमोट कर रहा है। एंड दिस बिल अमेंड्स द, या ये बिल जो है ये एक अमेंडमेंट है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 का, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इट प्रोमिसेस टू ग्रांट सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन टू नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। और यहाँ पे और एक चीज मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि टू बी अ सिटीजन दे मस्ट हैव एंटर दिस सिक्स कम्युनिटीज, मेंशन सिक्स कम्युनिटीज मस्ट हैव एंटर इनटू द इंडियन टेरिटरी ऑन और बिफोर December 31, 2014। उसके बाद जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज, जो जिन्हें राइट मिल सकता है, मतलब इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट हो सकता है, वो लोग हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियन। तो दिस इम्प्लाइज दैट माइग्रेंट्स हु आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद एनी ग्रुप और कम्युनिटी अदर देन दोज मेंशन्ड हियर फ्रॉम द अबव मेंशन्ड कंट्रीज वोंट बी एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। मतलब ये जो 6 कम्युनिटीज मैंने मेंशन किया इनके अलावा अगर कोई और, सपोज हिंदू फ्रॉम म्यांमार, म्यांमार में भी कुछ हिंदूज रह रहे होंगे, वो लोग भी अगर आके अप्लाई करेंगे तो उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है कि ये 6 कम्युनिटीज होने चाहिए एंड दैट टू दे शुड बिलोंग टू द 3 मेजर इस्लामिक कंट्रीज, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, यस, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इज दैट द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स एज वेल एज फॉर 11 ऑफ द प्रीवियस 14 ईयर। ये जो एक फीचर है ये 1955 वाले एक्ट का फीचर है। अभी तो वो एक रिलैक्सेशन मिल गया है, वो ईयर ऑफ रिड्यूस हो गया है, 11 to 5 years कर दिया गया है, एंड अ स्पेसिफिक कंडीशन फॉर द एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू द स्पेसिफाइड 6 रिलीजन एंड द अबव मेंशन 3 कंट्रीज, 5 years कर दिया गया है। 2014 से पहले अगर वो लोग आ गए हैं वो भी कर दिया गया है। तो अभी बहुत चेंजेस आ गए हैं इस एक्ट में। तो और एक चीज, हमेशा से जब से ये सीएए आया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, बहुत लोग एनआरसी, मतलब जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, इन दोनों कॉन्सेप्ट में थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 जो है इट प्रोवाइडेड फॉर द एक्विजिशन, डिटर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। 55 वाले एक्ट में कैसे एक इंसान एक्योर करेगा इंडियन सिटीजनशिप, कैसे डिटरमाइन करेगा एंड कैसे उसका सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगा, उस बारे में डिस्कस किया गया है 1955 वाले एक्ट में। एंड ये एक्ट को बहुत बार अमेंड कर दिया गया एंड बहुत बार पास्ट में अमेंड कर चुके हैं। एंड फाइनली 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ वो जनवरी जनवरी 10, 2020 में फाइनली वो
इन इफेक्ट आ गया एंड 2019 का जो एक्ट था इट एनेबल्ड माइग्रेंट्स फ्रॉम सिक्स माइनॉरिटी कम्युनिटीज फ्रॉम थ्री स्पेसिफाइड मेजर इस्लामिक कंट्रीज हु हैव कम टू इंडिया ड्यू टू परसिक्यूशन. परसिक्यूशन मैंने ऑलरेडी कह दिया, परसिक्यूशन के कारण अगर वो लोग इंडिया में आए हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन देन दे कैन बिकम एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप. तो उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा मिनिमम लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है. अगर मिनिमम लीगल डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करने के बाद उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है. बट वेर एज एनआरसी जो है, एनआरसी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम सीएए. सीएए अलग है और एनआरसी जो है इट इज अ रिकॉर्ड of the citizens of India. ये एक record है जो कि maintain किया जाता है about the citizens of India. And the Citizenship Act of 1955 provides the, it speaks about the registration of every citizen of India. यहाँ पे registration का बात किया जाता है कि कैसे register करना चाहिए, कैसे citizenship grant होगा 1955 वाले act में. और ये एक national identity card देता है एक मतलब एक citizen को कि हाँ मैं इंडिया का एक सिटीजन हूँ. लेकिन एनआरसी ये नहीं है. एनआरसी एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जैसे हम सेंसस करते हैं कि हाँ इतने लोग पैदा हुए हैं, इतने लोग इतना पॉपुलेशन बढ़ा है, वैसे ही एनआरसी एक रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए रखा जाता है. एंड जो मेजर डिफरेंस है एनआरसी और सीएए में, सीएए जो है वो इंडियन सिटीजन्स जो ऑलरेडी सिटीजन्स हैं उनके ऊपर उसका मतलब कोई प्रभाव नहीं है, कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है. और एनआरसी जो है वो खाली इंडियन सिटीजन्स के ऊपर ही एप्लीकेबल है, बाकी लोगों को इलीगल माइग्रेंट्स को वो टोटली एक्सक्लूड कर देता है. तो उसके बाद ये जो एक्ट आया, इस एक्ट में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुई, बहुत सारे स्ट्राइक प्रोटेस्ट बहुत कुछ हुए. बहुत मेनली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी JNU जामिया मिलिया वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत इफेक्टेड थे इस चीज से. तो बहुत लोगों ने इस बिल और इस एक्ट के अगेंस्ट बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी आए और उसके इसके फॉर्म में भी बहुत लोगों ने कहा. हम सभी जानते हैं जब एक नया लॉ आता है तो उसके उसके अगेंस्ट भी बहुत लोग बोलते हैं, उसके फॉर्म में भी, उसका मेरिट भी होता है और उसका डिमेरिट भी. सिमिलरली ये एक्ट भी इस चीज से डिप्राइव नहीं है, इसके अगेंस्ट भी बहुत चीजें आई हैं और इसके फॉर्म में भी बहुत चीजें आई हैं. तो जो पहला क्रिटिसिज्म था इस बिल के लिए वो था दिस एक्ट मेनली टारगेट्स द मुस्लिम कम्युनिटी. ये ऑलरेडी मैंने कहा था कि हाँ ये मुस्लिम कम्युनिटी को एक्सक्लूड कर दे रहा है और ये टारगेट कर रहा है, बट एक्चुअली इट इज नॉट. एक तरफ से देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि ये वहां पे क्लियरली मेंशन है कि थ्री मेजर इस्लामिक कंट्रीज से अगर वो लोग आते हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज में तो मुस्लिम्स हैं जहाँ पे वो लोग माइनॉरिटीज हैं. तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बिल, ये क्रिटिसिज्म एक तरह से ठीक है कि बाकी कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे मुस्लिम्स माइनॉरिटी हैं, तो उनको भी ये टारगेट किया गया है. And then the second criticism is, it is violative of Article 14 of the Constitution, which guarantees the right to equality. So, jo Article 14 hai, right to equality promote karta hai India, and right to equality sabko grant kiya gaya hai. So, yahan pe ek tarah se disparity ho raha hai, discrimination ho raha hai on the basis of religion, race, jo ki sahi nahi hai. So, isi liye ye claim kiya gaya hai ki it is violative of Article 14. थर्ड पॉइंट है, इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी टू द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म, वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन एंड देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया. इंडिया में कोई ऑफिशियल या स्टेट रिलीजन नहीं है. यहाँ पे सब लोग इक्वल है, सभी को इक्वल राइट्स मिलता है, सभी का इक्वल ड्यूटी है. और यहाँ पे लेकिन एक तरह से ये जो एक्ट आया, फिर भी यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को थोड़ा टारगेट करके बोला गया कि नहीं, सेक्युलरिज्म मतलब यहाँ पे तो नहीं है, रिलीजन बेसिस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तो फिर कैसे ये लोग ये छह कम्युनिटीज को ही खाली सिटीजनशिप ग्रांट करेंगे और बाकी कम्युनिटीज का क्या. तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पे क्रिटिसाइज कर दिया गया है. उसके बाद बहुत सारे रिफ्यूजीज ऐसे हैं हु आर इवन नॉट कवर्ड अंडर दिस एक्ट, लाइक द श्रीलंकन तमिल. श्रीलंका में बहुत सारे तमिल्स हैं, उन्हें कवर नहीं किया गया इस एक्ट में. हिंदू रोहिंग्या फ्रॉम म्यांमार, उनको भी कवर नहीं किया गया इस एक्ट में. डिस्पाइट एग्जेम्पशन ग्रांटेड टू सम रीजन्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, द प्रोस्पेक्ट ऑफ सिटीजनशिप फॉर मैसिव नंबर्स ऑफ इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैज ट्रिगर्ड डीप एंजाइटीज इन द स्टेट. यस, इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स जो कि रह गए हैं उनके लिए भी थोड़ा ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनको लग रहा है कि वो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो इसीलिए मतलब देयर सेंटिमेंट्स हैव बीन हर्ट. उसके बाद इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन इलीगल माइग्रेंट्स एंड दोज परसिक्यूटेड. यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर दिया गया था कि जो भी आएंगे ये छह कम्युनिटीज से, अगर वो लोग आ जाते हैं इंडिया में
और रह गए हैं और वो लोग सिटीजनशिप अभी डिमांड कर रहे हैं, तो वहां पे अज्यूम कर दिया जाएगा कि इन्हें परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा नेटिव कंट्री से, इसीलिए ये लोग इंडिया आ गए. लेकिन एक तरफ से गवर्नमेंट विल फेस द प्रॉब्लम बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु हैव हु आर इलीगल माइग्रेंट्स, वो परसिक्यूशन की वजह से नहीं आए हैं एंड विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स वो लोग आके रह गए हैं, तो उस जगह में गवर्नमेंट विल फेस द प्रॉब्लम. उसके बाद इट फेस्ड क्रिटिसिज्म बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. ये तो ऑलरेडी मैंने कह दिया है कि हाँ रिलीजन बेसिस में ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है. दिस एक्ट वॉज द फर्स्ट सच एक्ट इन विच रिलीजन हैज बीन ओवरटली यूज एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग सिटीजनशिप अंडर इंडियन लॉ. ओवरटली मतलब पहले कभी भी रिलीजन बेसिस में ऐसा कुछ नहीं होता था किसी भी लॉ में, ऐसे मतलब जो भी होता था कवर्टली हर चीज अंदर अंदर होता था, ऐसे डायरेक्टली मतलब रिलीजन बेसिस में क्लासिफिकेशन कभी नहीं किया गया है. लेकिन इट वॉज अ फर्स्ट एक्ट, एक तरह से ये सिटीजनशिप एक्ट जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ये एक फर्स्ट एक्ट, एक ऐसा लेजिस्लेशन है जिसमें रिलीजन को एक मेन मुद्दा बनाया गया और वहां पे एज अ क्राइटेरिया यूज किया गया टू ग्रैंड सिटीजनशिप अंडर इंडियन लॉ. ये तो हम क्रिटिसिज्म के बारे में हम बात कर चुके हैं. ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे भी थे जो कि इस एक्ट के फॉर्म में थे, जैसे कि द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी क्लैरिफाइड दैट पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश आर इस्लामिक रिपब्लिक्स, वो मेजर इस्लामिक कंट्रीज हैं एंड हियर मुस्लिम्स आर इन मेजोरिटी, नो डाउट मुस्लिम्स यहाँ पे मेजोरिटी में है, तो उन लोगों को किसी भी हालत में परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के हिसाब से नहीं ट्रीट किया जा सकता. तो गवर्नमेंट ये क्लैरिफिकेशन दे रहा है, तो इस जगह में ये एक फेवर है इस एक्ट के लिए. उसके बाद इट हैज अश्योर्ड दैट द गवर्नमेंट विल एग्जामिन द एप्लीकेशन फ्रॉम एनी अदर कम्युनिटी ऑन केस टू केस बेसिस. गवर्नमेंट ने ये भी प्रॉमिस किया है कि इट विल एग्जामिन, ऐसा नहीं है कि खाली ये 6 कम्युनिटीज हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और जैन अगर आएंगे तभी हम, और ये 3 कंट्रीज से आएंगे तभी हम उन्हें, हाँ उन्हें ही खाली हम सिटीजनशिप देंगे. गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि दे विल एग्जामिन अगर कोई दूसरे कम्युनिटी से भी आ रहा है एंड इफ देयर रीजन इज वैलिड, देयर डॉक्यूमेंट्स हैज सम सिग्निफिकेंस, देन दे विल डेफिनेटली कंसिडर इट. वो केस टू केस बेसिस में देखेंगे और उन्हें भी शायद सिटीजनशिप ग्रांट कर दिया जा सकता है. और एक ये जो बिल आया, दिस बिल हैज कम एज अ बिग बून to all those who have been a victims of partition and the subsequent conversion of the 3 countries into theocratic Islamic republics. यहाँ ये जो बहुत सारे ऐसे पार्टीशन में ऐसा हुआ था कि बहुत लोग डिवाइड हो गए, जो लोग हिंदुस्तान में रहना चाहते थे वो लोग पाकिस्तान में रह गए, जो लोग पाकिस्तान में रहना चाहते थे वो लोग हिंदुस्तान में रह गए और बहुत प्रॉब्लम हुआ. तो एक तरह से ये जो एक्ट आया, एक तरह से ये जो विक्टिम्स, मेनली जो विक्टिम्स रहे हैं पार्टीशन के, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहा है. तो साइटिंग पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन रिलीजियस लाइन इन 1947, द गवर्नमेंट हैज आर्ग्यूड दैट, गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यू किया कि मिलियंस ऑफ सिटीजन्स ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया बिलोंगिंग टू वेरियस कम्युनिटीज वेर स्टेइंग इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश फ्रॉम 1947, और ये लोग जो थे दे वॉन्टेड टू कम टू इंडिया. The constitution of Pakistan, Afghanistan and Bangladesh, it provides, we have already said it that India secularism promote karta hai, but ye 3 Islamic countries nahi karte and they have their own specific state religion. To kisi bhi angle se ye 3 countries secular countries nahi kehlate. And as a result, many persons belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsis and Christian, they have been facing persecution and they have faced persecution in the past on the grounds of religion in those countries. So, बहुत से ऐसे लोग थे जो लोग इसी इसी कारण की वजह से, इस persecution के कारण की वजह से India में आ गए for just to seek shelter and ultimately they stayed in India. और वो लोग ultimately Indian citizenship चाहते थे. And even if their travel, उनके travel documents expire करने के बाद भी, वो कुछ काम के नहीं रहने के बाद भी या फिर कुछ incomplete रहने के बाद भी, इवन विदाउट डॉक्यूमेंट्स वो लोग इंडिया में रह गए बिकॉज दे फेल्ट दैट इंडिया नेवर प्रमोट्स मेजोरिटी राइट्स, इंडिया ऑलवेज मेक अ बैलेंस बिटवीन माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी राइट्स. तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था, नॉट वंस बट ट्वाइस इंडिया कंसिडर्ड दैट द माइनॉरिटीज इन इट्स नाइबरहुड इज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन एंड अगेन ड्यूरिंग द इंदिरा मुजीब पैक्ट इन 1972. When India had agreed to absorb over 1.2 million refugees, it is a historical fact that on both the occasions, it was only the Hindus, Sikhs, Buddhists and Christians who had
कम ओवर टू इंडियन साइड। ये अभी की बात नहीं है कि ये कम्युनिटीज आके इंडिया में रहना चाहते हैं, ये इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद की बात है, जब से तभी से लोग जो रिफ्यूजीज रह गए हैं वो लोग आके इंडिया में रहना चाहते हैं, और ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो मेरा कंक्लूड मैं इस तरह करना चाहूंगी कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ये जो एक्ट है मेनली ये सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को अमेंड करने के लिए बनाया गया था, और टू गिव एलिजिबिलिटी फॉर द इंडियन सिटीजनशिप टू इलीगल माइग्रेंट्स हु आर हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी क्रिश्चियन फ्रॉम अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये तीन कंट्रीज से जो ये छह कम्युनिटीज के लोग हैं जिन्हें इलीगल माइग्रेंट्स पहले कहा जाता था, इन लोगों को एक मौका देने के लिए टू बी एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप ये एक्ट मेनली बनाया गया, अमेंड किया गया। एंड दे शुड बी, और एक वहां पे एक प्रोविजन ऐड किया गया कि दे शुड बी रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014 से पहले या उस दिन वो लोग आके अगर इंडिया के टेरिटरी में रह चुके हैं तो दे विल बी ग्रांटेड विद सिटीजनशिप स्टेटस। दिस एक्ट डज नॉट इंक्लूड मुस्लिम फ्रॉम द थ्री मेजर इस्लामिक कंट्रीज, इवन मुस्लिम्स को बिल्कुल यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। एंड दिस बिल ऑल्सो इंक्लूड्स अ न्यू प्रोविजन फॉर कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI, और ये इट हैज ऑल्सो एक्सक्लूडेड जो बाकी परसिक्यूटेड कम्युनिटीज हैं दूसरे कंट्रीज से, लाइक चाइना श्रीलंका म्यांमार भूटान, वहां से जो कम्युनिटीज हैं परसिक्यूटेड कम्युनिटीज, ये एक्ट एक्सक्लूड करता है। अभी तक उनके लिए कोई लॉ नहीं बना। अंडर पार्ट टू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू वी कैन फाइंड अ चैप्टर ऑन सिटीजनशिप। पार्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट टू में एक चैप्टर, स्पेसिफिक चैप्टर है सिटीजनशिप के बारे में अपार्ट फ्रॉम सिटीजनशिप एक्ट, और आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। थैंक यू।